नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 सितंबर को मऊ पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने मऊवासियों को करोड़ों की सौगात दी। इसके बाद सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि माफिया ने पूर्वांचल के विकास को खोखला कर दिया है, अब हमारी सरकार ने उन माफियाओं पर शिकंजा कस दिया है। अपराधी और बाहुबली माफिया चाहे जितनी मजबूत हो जाएं और कहीं भी छिप जाएं, हम उन्हें पाताल से निकालकर कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा देंगे। बता दें कि मऊ में बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी का गढ़ माना जाता है। योगी आदित्यनाथ बिना किसी माफिया का नाम लिए उन्होंने प्रहार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है, सरकार किसी अपराधी और माफिया को छोड़ेगी नहीं। अगर वह किसी के विकास कार्यों में बाधा बनेंगे तो हम उनके खानदान से एक एक पाई को ले लेंगे। ऑपरेशन प्रहार के तहत मुख्तार अंसारी की गैंगों पर कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मऊ जनपद पहुंचने से पहले मऊ पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। मऊ पुलिस माफिया व पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के इंटरेस्ट 10191 गैंग और उनके 7 सहयोगियों रजिस्टर्ड गैंगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के लिए खाका तैयार कर रही है। इन सभी को मिलाकर 154 लोग शामिल हैं जिस पर पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। ऑपरेशन प्रहार के तहत इन सभी अपराधियों को चल और अचल संपत्तियों और आय के स्रोतों के बारे में मऊ पुलिस जानकारी जुटा रही है। इसके साथ ही पुलिस अंसारी मुख्तार अंसारी के बचे हुए इनामी या शूटरों की शिद्दत की तलाश में है। ऑपरेशन प्रहार के तहत मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों पर नकल कसने के लिए मऊ में एंटी माफिया सेल का गठन हुआ है। ऑपरेशन प्रहार में एक एसडीएम और एक सीओ टीम गठित की गई है। मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी एक गैंग को मिलाकर कुल 154 लोग पुलिस के रडार पर हैं। अब जान लेते हैं कि आखिरकार ऑपरेशन प्रहार एक्चुअली में है क्या। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस उन माफिया गुंडों पर कड़ी नजर रखती है। इसके लिए पुलिस एक टीम का गठन भी करती है। ऑपरेशन प्रहार में पुलिस एक साइबर सेल बनाती है और उन लोगों सभी लोगों को रडार पर रखती है। पुलिस उनसे लिप्त सभी लोगों की पूछताछ भी करती है, बैंक खाते पैसों के स्रोत का पता करती है। ऑपरेशन प्रहार के तहत उनके जमीनों और संपत्तियों का पता लगाया जाता है और जो इन्होंने अपराध के द्वारा अर्जित किया है उन अपराध से अर्जित चल और अचल संपत्तियों का विवरण पुलिस खंगालती है। इसके बाद वो कड़ी कार्रवाई करती है। बताया जा रहा है कि मऊ पुलिस बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के तहत पूरी कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है और मऊ पुलिस के एक साइबर सेल बनाया है जहां से मुख्तार के गैंगों पर लगातार निगरानी हो रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन प्रहार के तहत मुख्तार अंसारी के पूरे कुनबा को और पूरे उनके जो गुर्गे हैं वो खत्म करने की कोशिश की जा रही है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।